हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं नोट रिव्यू। तो फाइनली दोस्तों, एसर प्रीडिटर हेलियो 300 हमारे पास आ चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्विक रिव्यू देने वाला हूं इस लैपटॉप के रिगार्डिंग, ताकि आपको पता चल जाए कि सेल के दौरान क्या आपको इसे 50,000 की कीमत में खरीदना चाहिए या फिर नहीं। जी हाँ, ये आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके लुक एंड फील की बात करते हैं, तो ब्लैक, रेड एंड जो सिल्वर कलर के लाइनिंग्स है, इसकी वजह से दोस्तों ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने में लगता है। साथ ही साथ जो प्रेडिटर का लोगो यहाँ पर आपको मिलता है, वो भी काफ़ी कूल लगता है। बात करते हैं इसके वेट के बारे में, तो ये आपको लगभग 2.5 kg के आसपास मिलता है, यानी कि ये थोड़ा सा भारी है। अगर आप इसे ट्रैवलिंग के लिए लेते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन गेमिंग के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। बात करते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको मिल जाता है एक बड़ा वाला एसडी कार्ड लगाने का स्लॉट, यूएसबी का पोर्ट है जो कि फास्ट है, साथ ही साथ एचडीएमआई का पोर्ट आपको मिलता है, टाइप सी का स्लॉट भी आपको दिया गया है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने लैन को भी लगा सकते हो और एक किंगस्टन लॉक सिस्टम भी दिया गया है। राइट साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी डीवीडी स्लॉट नहीं मिलता है, 3.5 mm जैक मिलता है, दो यूएसबी के पोर्ट मिलते हैं नॉर्मल वाले, यहाँ पर एलईडी नोटिफिकेशन लाइट मिलते हैं और एक पावर इनपुट का सॉकेट मिलता है। और ये है इसका एडाप्टर जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है अगर आप इसे नॉर्मल लैपटॉप से कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर आप इस पर गेमिंग करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जब आप गेमिंग करते हो बैटरी के मदद से। और ये है दोस्तों इसका बैक पैनल, ये भी यहाँ पर ब्लैक एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। चार रबर के पैडिंग ग्रिप आपको देखने को मिलते हैं जो कि टेबल में होल्ड करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर से आउटलेट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो हीट एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छे से हो पाएगा दोस्तों। और यहाँ पर जो आप टॉप कॉर्नर पर देख रहे हैं, वो है दोनों स्पीकर्स के आउटलेट वेंट्स। अगर आप इसे इस तरीके से देखते हैं नीचे की तरफ से, तो यहाँ पर एक अलग सा पोर्ट्स टाइप का देखने को मिलता है, लेकिन ये बेसिकली दोस्तों पूरी तरीके से बंद है, यहाँ पर से स्पीकर के आउटलेट वेंट्स नहीं मिलते हैं। यहीं पर दोस्तों आप इस तरफ भी देख सकते हैं, हाफ पोर्शन में ही केवल आपको आउटलेट वेंट्स मिलते हैं, हाफ वाला जो पोर्शन है वो बंद किया गया है, लेकिन जो डिज़ाइन को मैच करने का कॉन्सेप्ट है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं i5 का 8 जनरेशन का स्टिकर चिपकाया गया है, 4 GB का आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है जो कि GTX 1050 Ti के साथ आता है, तो गेमिंग एक्सपीरियंसेस की काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। साथ ही साथ यहां पर आपको ट्रैक पैड दिख रहा है और ये जो रेड और जो क्रोम फिनिश आपको मिलता है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो भी स्टिकर चिपकाए गए हैं, यहाँ पर सारे डिटेल्स लिखे गए हैं। एनवीडिया का आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है जैसा कि मैंने आपको बताया, USB 3.1 का सपोर्ट मिलता है और बाकी सारी भी जानकारी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और कीबोर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं डेडिकेटेड पैड के साथ ही आपको देखने को मिलता है, बैकलिट सपोर्ट के साथ आता है और फुल साइज का कीबोर्ड भी दिया गया है, जहां पर जो गेमर्स लोग होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये AWSD वाला जो की है उसको सेपरेट तरीके से रेड किया गया है, जो कि काफी अच्छा दिखता है। यहीं पर दोस्तों अगर आप इस पे हैंड प्लेस करते हो, तो उसके लिए काफी बड़ा सा रूम दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आप गेमिंग करने के दौरान आपको दिक्कत आती है नॉर्मल लैपटॉप्स में, तो यहाँ पर मुझे ये चीज फेस करने को नहीं मिला था। साथ ही साथ टाइपिंग करने के दौरान ये मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस दिया था, जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। और अगर हम फ्लेक्स की बात करते हैं, तो कीबोर्ड के पार्ट में हमें बहुत ही मिनिमल फ्लेक्स देखने को मिले थे, तो गेमिंग करते वक्त आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इसका जो स्क्रीन का पार्ट है, वहां पर जो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का नहीं है, जो कि आप यहां पर से देख सकते हैं, थोड़े मोड़े फ्लेक्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी हिंज की जो क्वालिटी है दोस्तों, ये काफी अच्छी है, यहां पर हमें दिक्कत नहीं आई थी। बस थोड़ा मोड़ा अगर इसका प्लास्टिक का क्वालिटी और अच्छा होता, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता। और यहीं पर अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं, तो 15.6 इंचेस का आपको फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है, जो कि IPS पैनल के साथ आता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लैरिटी हमें काफी अच्छी मिली थी दोस्तों। वीविंग एंगल्स भी यहां पर आपको डिसेंट मिलते हैं, यहां पर आपको ब्लैक्स ये सब देखने को नहीं मिलते हैं, नेगेटिव्स नहीं मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और वेब कैमरा की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं क्लैरिटी हमें काफी डिसेंट देखने को मिली थी, क्योंकि एक HD वेब कैमरा के साथ आता है, 0.9 MP के सपोर्ट के साथ आपको मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और हाई रेजोल्यूशन चाहते हैं, तो बाहर से आप इस पर लगा सकते हैं। अब आइए हम टेस्ट करते हैं इसके साउंड की क्वालिटी की, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऑडियो की क्वालिटी कितनी डिसेंट है।
और यहीं पर अगर मैं आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं 8 GB का आपको रैम देखने को मिलता है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 128 GB का SSD भी दिया गया है, जिसके जरिए दोस्तों आपके लैपटॉप का बूट टाइमिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है, और 1 TB का आपको हार्ड डिस्क भी दिया गया है, तो स्टोरेज का आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। तो ये था दोस्तों एक क्विक ओवरव्यू एसर प्रीडिटर के रिगार्डिंग। यहाँ पर हमने आपको गेमिंग रिव्यू नहीं करके दिखाया, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट किया था कि भाई जल्दी से वीडियो लेकर के आओ, तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम था क्योंकि सेल शुरू हो गया था, तो इस वजह से दोस्तों मैंने आपको जल्दी से ये वीडियो दे दिया। अब देखा जाए दोस्तों ये 50,000 की कीमत में आपको सेल के अंदर मिल रहा है, तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरीके के गेम खेलने को मिल जाते हैं, बस यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर आप इसे टेबल पर खेलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बस ये बेड के ऊपर आप इसे मत रखना, अदरवाइज लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी हमने इस पर गेमिंग किया तो हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो ओवरऑल दोस्तों 50,000 की कीमत में डेफिनेटली इस लैपटॉप के साथ आप जा सकते हैं। इसका बेस्ट बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसका इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसका डिटेल गेमिंग रिव्यू देखना होगा तो प्लीज कमेंट करना, हम आपको जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इसका गेमिंग रिव्यू करके दिखा दें। तो चलो यार, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, डाउट है तो कमेंट कर लेना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।